नसीर, आज मैं आप लोगों को रेमेटोलॉजी के ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा और रेमेटोलॉजी के अंदर जो बीमारियां आती हैं उसके ताल्लुक से भी, यानी एक डिजीज के ताल्लुक से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेमेटोलॉजी के बारे में आपने कभी सुना ही होगा या फिर किसी जगह किसी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट का नाम आपने पढ़ा होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रेमेटोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों, रेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच द स्टडी ऑफ आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, सॉफ्ट टिश्यू आर्थराइटिस। यानी कि इस तरह से इस बीमारी यानी कि रेमेटोलॉजी के अंदर ये सब चीजें आती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हो चाहे आर्थराइटिस हो, तो इस तरह से ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं और इसमें इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उन लोग को हम रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग को कभी कभार पता नहीं होता है कि किसी इंसान को आर्थराइटिस है, यानी आम जुबान में उसको हम लोग सांधीवात कहते हैं, गठिया का दर्द कहते हैं, सूजन आना कहते हैं। तो ऐसे वक्त में हम लोग को पता नहीं होता है कि इसका कहाँ जाए, किस जगह इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक ऐसी डिजीज के बारे में आगे बताने वाला हूँ जिसका समय के रहते अगर हम इलाज ना करें तो वो बीमारी बहुत ही गंभीर रूप इख्तियार कर सकती है। यानी कि बीमारी जो है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, यानी इन शॉर्ट इसको SLE भी कहते हैं या ल्यूपस भी कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी पावर है या हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्यून क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सेल्स के, हमारे टिश्यूज के ब्रेक करने का या उसको तोड़फोड़ करने का काम शुरू कर देता है, यानी एंटीजन बना देता है इम्यूनिटी के खिलाफ में। तो इन शॉर्ट इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का ऑटोइम्यून डिजीज है। दोस्तों इसमें हमारे बॉडी के जो सेल हैं वो एंटीजन की तरह बिहेवियर करेंगे और इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देने के लिए स्टिमुलेट करेंगे और वो हो जाएगा ऑटोइम्यून डिजीज। तो दोस्तों इसमें मोस्टली जो रेशो है वो मेल्स के मुकाबले फीमेल में ज्यादा है, यानी फीमेल्स इसमें बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। 15 ईयर से लेकर 45 ईयर्स एज तक इसमें मोस्टली फीमेल्स मुतासिर होती हैं। वैसे ये बचपन के अंदर या चाइल्डहुड में भी पाया जाता है जिसको ल्यूपस चाइल्डहुड कहते हैं या चाइल्डहुड ल्यूपस कहते हैं। तो मोस्टली ये फीमेल्स में होता है। मेल्स के और फीमेल्स के तनासुब अगर हम देखेंगे तो फीमेल्स में मेल के मुकाबले में ये 9:1 है, यानी कि 9 फीमेल्स अगर मुतासिर है तो एक मेल मुतासिर होगा, इस तरह से इसका रेशो है। अब दोस्तों बात करते हैं हम ये बीमारी के क्या वजह है या कारण क्या है इसका। जैसे एक्सपर्ट का मानना है कि इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो रिस्क फैक्टर कहलाती है, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होने का डर है। जी हाँ दोस्तों, ल्यूपस के होने के जो डर है, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, हॉर्मोन्स की खराबी है, या मोस्टली देखेंगे हम गायनिक हॉर्मोन्स जो होते हैं, या फिर जो कुछ ऐसी मेडिकेशंस यूज इस्तेमाल हो रही है, यानी कुछ मेडिकेशंस के इस्तेमाल से भी होता है। खासकर हॉर्मोन्स की जो मेडिकेशंस होती हैं जो कि फीमेल्स में दी जाती हैं, जैसा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिकेशंस फीमेल्स यूज करती हैं उनमें भी इसके चांसेस होते हैं। इसी तरह से दोस्तों स्मोकिंग है, जेनेटिक्स भी पाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों इम्यूनिटी के कमजोर होना या इम्यूनिटी पावर का कमजोर होना, इस तरह इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हॉर्मोन्स, इन्वायरमेंट, स्मोकिंग, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सनलाइट एक्सपोजर और कुछ मखसूस तरीके के वायरस, ये तमाम चीजें इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि इसके होने की जरिया बन सकते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, वो इसके लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी ये बीमारी होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देती है। दोस्तों अगर इंसान लक्षणों पर ध्यान दे तो वक्त के चलते इंसान जो है तो सही जगह पर पहुंच जाता है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारियों की तरह है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, सारी जिंदगी भर इंसान के साथ लगी रहती है, लेकिन इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए हमको लक्षणों पर ध्यान देना है। तो लक्षणों को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक की बात करेंगे सबसे पहले हम दोस्तों नॉन स्पेसिफिक की बात करेंगे, जैसे कि फीवर है, इसके अंदर फीवर आना एक कॉमन। इसके अंदर स्पेसिफिक की अगर बात करेंगे तो फीवर है, फीवर के अलावा फैटी ड्यू यानी कि थकान सा लगा रहना, वेट लॉस का होना। इसी की तरह से दोस्तों इसमें सबसे पहले अहम चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑटोइम्यून डिजीज है
ये सबसे ज्यादा हमारे जो ऑर्गेन्स होते हैं, मेजर ऑर्गेन्स जो होते हैं उसको अफेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, नेल्स हो, स्किन है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, और इसके अलावा स्प्लीन है, और इसके अलावा जो लीवर है, तो ये और मसल्स है, नर्व्स है, आर्टरीज है, तो इस तरह से ये बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे ऑर्गेन्स को अफेक्ट करता है दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स सामने आते हैं। यानी कि अगर इसके हम लक्षण की बात करेंगे तो लक्षण के अंदर जो जो एरिया मुतासिर होगा उसके मुताबिक लक्षण सामने आएंगे या उसके साइन सिम्टम्स सामने आएंगे। तो स्पेसिफिक में, नॉन स्पेसिफिक में बता रहा था आपको कि फीवर आएगा, फैटिग्यू रहेगा, इसके अलावा वेट लॉस की हिस्ट्री रहेगी, हेयर लॉस होगा, इसके साथ ही दोस्तों इंसान का जॉइंट पेन होगा और जॉइंट स्टिफनेस होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, यानी कि जब इंसान नींद से उठता है तो उस वक्त उसके जोड़ों के अंदर सूजन दिखाई देंगी, और साथ ही दोस्तों इसकी वजह से इस तरह के बहुत सारे लक्षण जो है तो दिखाई देते हैं। ये कॉमन हो गया, यानी कि नॉन स्पेसिफिक होगा। अगर स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें दो चीजें, अहम चीजें याद रखें दोस्तों। एक है यानी कि रेशेस, जो कि बहुत अहम या आम जो है लक्षण होता है। रेशेस इसमें तीन टाइप के होते हैं, ये फेस के ऊपर बटरफ्लाई टाइप के जो है तो इस तरह के जो रेशेस आ जाते हैं, इसी तरह से बैक के ऊपर या फिर खंबर के ऊपर इस तरह जो है तो दोस्तों निशान आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें रैशेस का या लाल जो है तो पैचेस का आना एक कॉमन इसकी अलामत होती है, और इसके साथ ही ऑर्गेन्स इसमें अफेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेन है, किडनीज है, और जो बड़े बड़े ऑर्गेन्स है, ये तमाम ऑर्गेन्स इसमें मुतासिर हो सकते हैं। तो जब ये मुतासिर होंगे तो उसके सिम्टम्स जो तो अलग हो जाएंगे। यानी ब्रेन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सब साइकोसिस है, इसके अलावा हेडेक है, इसके अलावा दोस्तों सीजर्स है, तो साथ ही दोस्तों ये हार्ट से रिलेटेड मायोकार्डियम, यानी जो हार्ट की जो मसल्स हैं तो उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। साथ ही दोस्तों ये पिलोरी इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकता है, यानी कि फेफड़ों में पानी बढ़ जाना। इसी तरह से दोस्तों ये लंग्स के अंदर न्यूमोनिया भी हो सकता है, इसकी वजह से दोस्तों स्प्लीनोमेगाली लीवर के अंदर हो जाए तो जॉइंटिस है, या फिर लीवर की साइज बढ़ जाना हेपेटोमेगाली है। इसके अलावा किडनीज के अंदर हो सकता है, किडनीज के अंदर हो जाएगा तो बहुत सारी उसकी किडनी से रिलेटेड जो तो सिम्टम्स सामने आएंगे। इसी तरह से दोस्तों ये वेन्स में, आर्टरीज में, मसल्स में, जॉइंट्स में हो जाए तो उसके मुताबिक जो है तो अलग अलग सिम्टम्स सामने आते हैं। हेयर्स में हो जाए तो एलोपेशिया के जो तो सिम्टम्स सामने आते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये इसकी वजह से इंसान के जो है तो इंसान के जो फिंगर्स होते हैं वो अगर उसको पानी में डाले तो ठंडे पानी में अगर डालता है तो उसके बाद कुछ वक्त तक उसकी जो फिंगर्स है वो वाइट रहेगी, बिल्कुल वाइट रहेगी, क्योंकि उस वक्त जो उसका सर्कुलेशन रुक जाएगा और स्किन ब्लूइश नजर आएगी उस वक्त। तो इस तरह से इसके दोस्तों बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और फीमेल्स के अंदर बात करेंगे कि एसएलई यानी ल्यूपस जो एरिथेमेटस है वो अगर फीमेल्स में हो जाता है, तो एसएलई नाम की जो बीमारी अगर फीमेल्स में होती है तो दोस्तों इसकी वजह से फीमेल्स को मिसकैरेज या बार बार जो है अबॉर्शन की हिस्ट्री मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों इसके बहुत सारे लक्षण सामने आते हैं जो कि एक्सपर्ट जो है तो डायग्नोस करने के बाद हमको बताते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके लक्षण है। अब बात करें दोस्तों हम इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस के अंदर दोस्तों इसका तो एक फिजिकल डायग्नोस होता है और एक कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इसके अंदर दोस्तों इसके लिए जो मखसूस टेस्ट है, एएनए है, एनटीडीएस डीएनए है, एनटीएसएम है, लो C3 एंड C4 है, इस तरह के इसके अंदर डायग्नोसिस किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में दो चीजें अहम है, एक तो इसके प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन, यानी हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट की रही बात, इसमें दोस्तों जो रेमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो इसके एक्सपर्ट होते हैं तो बेहतर हम उनके अंडर में ट्रीटमेंट करें। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं और इसके साथ ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन या इस तरह की मेडिकेशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि स्टेरॉइड से तो नुकसान होता है। नहीं दोस्तों, स्टेरॉइड इंसान के लिए, यानी जब एक्सपर्ट उसको दे रहा है तो एक्सपर्ट के देने की बहुत बड़ी हिम्मत होती है, और जब एक्सपर्ट देता है यानी इमरजेंसी कंडीशन में इंसान की जान बचाने वाली चीज सिर्फ स्टेरॉइड से होती है। तो सही वक्तों में कौन सी चीज को कहां यूज करना ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ही जानते हैं।
इसीलिए हम हमेशा एक्सपर्ट की यानी रेमेटोलॉजिस्ट की इस ताल्लुक से ही बीमारी में जो है तो रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह ले, उनसे जल्द से जल्द रबते मिले, क्योंकि दोस्तों अगर हम इस तरह से लेट हो गए तो हमारे बड़े से बड़े ऑर्गन को डैमेज हो सकता है या हमारे बड़े से बड़े ऑर्गन को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग को हमारा ये काम था और हमने ये सोचे थे कि आप लोगों को इस तरह की बातें बताएं, इस ताल्लुक से जागरूकता लाए आपके अंदर कि आपको बीमारी के ताल्लुक से पता चले कि ऐसे लिए क्या होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। अब रही बात इसके दोस्तों हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो जो चीजें हमने आपको बताया रिस्क फैक्टर के अंदर वो तमाम चीजों पे आप यानी कि गौर रखें, खास ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये थी आज ऐसे ली यानी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस या ल्यूपस के ताल्लुक से अहम जानकारी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब आपको मिलेगा। और आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि रेमेटोलॉजी के अंदर हमने अभी सिर्फ एक डिजीज जो है तो आपके सामने एक्सप्लेन किए एसएलई नाम की, इसके अलावा हम लोग अभी आपके सामने रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आने वाली या रेमेटोलॉजी के अंदर जितनी भी बीमारियां होती है, एटोमिन डिजीज जितनी भी होते हैं, वो तमाम डिजीज चाहे अर्थराइटिस की हो चाहे सॉफ्ट टिश्यू अर्थराइटिस की हो, तमाम बीमारियों के ताल्लुक से हम लोग जो है तो क्लिप बना रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की सीरीज मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।